चलिए, पनागर पीसी कोचिंग से आपका सभी सा मतलब सब सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, है ना। ये आपका इसके पहले दो तीन वीडियो डाल चुका हूँ, ये दूसरा तीसरा नंबर का है। पार्ट ये मान लो पार्ट 3 या 4, हम 4 मान लो। तो जैन धर्म संबंधित इसमें आएंगे, तो इसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जैन जैन कौन थे, बता देता हूँ थोड़ा। तो जैनिस थे, उनका जो जैन काल था उस टाइम में छत्तीसगढ़ भारत में पूरा जब जैन धर्म का प्रचार हो रहा था, तो उनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ पंत, ऋषभ देव जी थे। तो ऋषभ जी देव जी थे जो पहले तीर्थंकर थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, उपदेश उपदेश दिया गया, इनका मतलब स्थापना किया गया किसका, आपका जैनिस धर्म का। लेकिन बाद में जो मेन था, जो जैन का वास्तविक संस्थापक जिसको बोला था, महावीर जैन थे। तो उनके द्वारा अपनी उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी, है ना, अपने समय में कुछ ज्ञान उन पर एकत्रित किया था अपने समय में, अपने टाइमिंग में। मतलब जैसे कि बुद्ध धर्म, बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी थे, जो बौद्ध धर्म के उसके समर्थक मतलब वो हैं, मेन हैं, तो उन्हीं के समकालीन माने जाते हैं बुद्ध, ये महावीर जैन। तो उन्हीं टाइमिंग में हम क्या करते हैं इनका, ये इंडिया लेवल में हम लोग पढ़ते हैं, और छत्तीसगढ़ में पीड़ित को जान रहे हैं हम लोग, काफ़ी अल्प मात्रा में रहेगा इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। हम लोग का बस स्थान याद रखना है कि उनके जो अपने टाइमिंग में यहाँ घूमने उमने निवास करने आए थे, उन लोग पहले क्या आए थे, अभी नहीं, मतलब उस जब बौद्ध का जब था ना, उस टाइमिंग काल चल रहा था, उस टाइम में इन लोग क्या किए थे, यात्रा करने हम लोग के छत्तीसगढ़ में भी तरफ भी प्रचार करने लोग आए थे, और अनेक राजाओं के संरक्षण भी इन लोग को प्राप्त था, क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति थे इन लोग। तो इन्होंने अपने अनुसार किसी मतलब धर्म बताया है, किसी मतलब दिनचर्या बताया है ना, मौलिक मतलब अपना दिनचर्या कैसे होना चाहिए, मतलब एक गाइडलाइन के रूप में इन्होंने अपना धर्म, एक नया धर्म बनाया, जैन धर्म। तो इसमें कई सारे इन लोगों ने सिद्धांत भी दिए हैं कि मतलब ऐसा ऐसा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी, है ना, परिनिर्वाण होगा, ऐसा जैसे बौद्ध में उसी टाइप का बोला जाता है, सेम उसी टाइप का। तो चलिए, इसमें कौन कौन उन लोगों ने जब जो जो मतलब तीर्थंकर हुए, लगभग 24-25 इन लोगों के तीर्थंकर थे, तो उनमें से मैं बताता हूँ। अभी अभी 98 तीर्थंकर मतलब ज़्यादा हो गए, अभी वर्तमान तक मतलब चलते आ रहे हैं तीर्थंकर, जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक मतलब उनका बंद नहीं हुआ है। आप देखेंगे टीवी चैनल में न्यूज चलता है उनका, ठीक है। तो चलो मैं बताते चलता हूँ इसमें का। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अभी कहाँ आए थे, ये स्थान थे, आए थे आपका गुंजी, गुंजी दमऊ देहरा से रिलेटेड है, संबंधित है, दमऊ देहरा, गुंजी जगह का नाम है दमऊ देहरा, ये आपका अभी शक्ति जिला हो गया, कौन से जिला हो गया, शक्ति जिला, इसको याद रखना। दूसरा थे आपका शांति, एक शांतिनाथ थे, शांतिनाथ जी है, दूसरा नहीं है मतलब जो जो आए थे उसका दूसरा नंबर में याद रखना, शांतिनाथ थे, ये आपका 16वां नंबर के थे, 16वें तीर्थंकर थे ये, इसको याद रखना, 16वां नंबर के थे ये। आप कहाँ थे मतलब कहाँ गए थे, ये बस्तर में, बस्तर क्षेत्र से संबंधित रखते, भाटागुड़ा, आप अगर जैसे आता है ना मेन स्विच में, आप इसको उल्लेख कर सकते हो कि जैन धर्म के कौन कौन से मतलब कहाँ का इनका निवास हो, जो भी था मतलब कहाँ कहाँ मतलब इन लोग छत्तीसगढ़ में जो प्रमाण मिलता है इनका। अब एक पार्श्वनाथ थे, ये भी फेमस थे पार्श्वनाथ, तेईसवें नंबर के थे, तेईसवें नंबर के क्या थे तीर्थंकर, इसको याद रखना। ये थे नगपुरा दुर्ग, नगपुरा कहाँ, दुर्ग, दुर्ग के नगपुरा ये जगह का नाम है, वहां थे पार्श्वनाथ का संबंधित रखते हैं। अब एक याद रखना, महावीर, महावीर जैन,
इनका बचपन का नाम कुछ और था। अरे इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में लगभग इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति इन लोग को हुई थी शायद। जो ज्ञान उन प्राप्त किए ना उसी को मतलब इन्होंने अपना बांटना चालू किया। फिर इनकी अपनी मानना होती थी, मतलब जो जैन उनका जो अपना अपना धर्म का अपना मानना है, उनका खान पान है, उनका रहन सहन जो भी अलग ही होता है। ये संबंधित है आरंग से। आरंग का है रायपुर में। जो जैन को देखोगे ना, जैन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। जैन धर्म क्या है, दो भाग में बटा था, एक तो दिगंबर एक श्वेतंबर, है ना? क्या बोल रहा हूँ, दिगंबर श्वेतंबर। तो दिगंबर क्या है, जिनका दिशा कहीं वही वस्त्र है, मतलब ये कपड़े उपड़े नहीं पहनते दिगंबर, और श्वेतंबर मतलब सफेद वस्त्र कपड़ा धारण करके चलते हैं, और ये कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते दिगंबर, इसको याद रखना है। ठीक है, जैन के बारे में बता दिया उसने। और महावीर जैन के भी इनका जो आप इंडिया का पढ़े होंगे तो याद होगा, उसमें आपको इनका जीवन परिचय पढ़ना होता है, 24वें तीर्थंकर का इनका, क्योंकि वास्तविक यही है, वास्तविक संस्थापक यही है महावीर जैन। छत्तीसगढ़ में इनका आरंग रायपुर में मिलता है, पार्श्वनाथ का नागपुर नागपुरा दुर्ग में मिलता है, शांतिनाथ का है 16वें नंबर के थे, भाटागुड़ा बस्तर में। ये आपका झारखंड से था ना, ये पार्श्वनाथ आपका वहाँ पार्श्वनाथ वो भी है, पहाड़ है इन्हीं के नाम पर। ये शांतिनाथ 16वें नंबर के तीर्थंकर थे, भाटागुड़ा बस्तर में थे, ऋषभ थे प्रथम तीर्थंकर थे, गुंजी दमोदर से संबंधित रखते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग, ये काल कब हुआ था, ये लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में मतलब हुआ था, इसको याद रखना टाइम पीरियड में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद का। तो महाजनपद काल का चलो अगले इसमें बता देता हूँ, तो आसानी होगी इसमें। महाजनपद का, अब महाजनपद काल मतलब क्या, तो महाजनपद काल ये आपका 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, इसको याद रखना। कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व के आसपास ये हुआ, मतलब सम्मिलित हुआ था, इसको याद रखना। छः सौ ईसा पूर्व के आसपास ये क्या होता है, सम्मिलित हुआ था, इसको याद रखना। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब भारतीय इतिहास काल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको याद रखना, क्योंकि यहीं से क्या सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, मतलब इतिहास मिलता है, कि इसका रुको मैं बताता हूँ यार। इसमें महाजनपद काल में क्या हुआ, इसमें जब ये पीरियड आया ना 600 ईसा पूर्व में, जो बौद्ध और इसमें जो जैन का उसके समाप्ति के बाद, ये तो पहला काल था जब भारत जो है क्या किया, एक मतलब एक केंद्रीय रूप में, मतलब केंद्रीय टाइप का हुआ, केंद्रीकृत मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे अभी जैसे राज्य मतलब बटा है ना, जैसे अनेक राज्यों में वैसी मतलब क्रम रूप से मतलब बटना चालू है, एक क्रमिक रूप से हम लोग को मिलना चालू है, मतलब व्यवस्थित ढंग से, मतलब एक ये भारत है तो व्यवस्थित रूप से मतलब एक क्रम रूप से उनका इतिहास मिलना चालू है, उसके पहले नहीं था, संगठित नहीं था, मतलब इसी महाजनपद काल में ये लोग संगठित हुए, इसके पहले सब टूटा फूटा बिखरे हुए थे, इधर उधर फेंका हुआ है, कुछ मतलब नहीं था। अब इन लोग इस ये 16 महाजनपद में बटा था, जो भारत है उस टाइम में 16 महाजनपदों में बटा था, 16 महाजनपद में बटा था ना, तो 16 महाजनपद में इसमें अलग अलग राजधानियां भी थी, ये सब में भारत का उसमें पढ़ते हैं उसमें आता है, लेकिन हम लोग के इसमें पढ़ना क्या है, एक चेदी महाजनपद था, इसी 16 में से एक था हमारा, हम लोग चेदी महाजनपद।
चेदी महाजनपद यहाँ पर हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है। चेदी महाजनपद था, इसी के अंतर्गत मतलब इसकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी इसकी? सुक्तिमती। राजधानी क्या थी इसकी? सुक्तिमती। इसको याद रखना। राजधानी क्या थी इसका? याद रखना, सुक्तिमती। चेदी महाजनपद था। ठीक है, केदी महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। क्षेत्र कौन सा था? अच्छा, बुंदेलखंड। क्षेत्र कौन सा था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का क्या था? पठार था। इसके आधार बुंदेलखंड का क्या था जी? पठार था। इसको याद रखना। राजधानी कौन थी? सुक्तिमती थी। क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड कहाँ है? एमपी में है। ये पूरा मध्य प्रदेश वाला ही, मध्य प्रदेश में एरिया में आता है ये। मध्य प्रदेश प्लस इसमें एक बघेलखंड था, वो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को कवर कर रहा था। तो बुंदेलखंड थोड़ा बहुत हिस्सा छत्तीसगढ़ को टच करता था। तो कई लोग इसको बोलते हैं, एक हीरा लाम नाम का व्यक्ति था, देखो बोलते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित था। इसको याद रखना, बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सम्मिलित थे बुंदेलखंड। और इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब इसी को कालांतर में बदल के ये क्या हुआ? चेतीसगढ़ हो गया। कालांतर में ये मतलब ये बदल के क्या हुआ? ये चेतीसगढ़ में बदल गया। इसको याद रखना। किस में बदल गया? छत्तीसगढ़ में ये क्या हुआ? बदल गया। इसको याद रखना, के नाम से जाना जाने लगा, के नाम से जाना जाने लगा, इसको जाना जाने लगा। ठीक है, समझ गए? इसको याद रखना। ऐसा मतलब माना जाता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ है। अब इसको बाद में बोला ये छत्तीसगढ़ हो गया बोलते हैं, है ना? इसी को, इसी का वो अपरूप अपभ्रंश मतलब छत्तीसगढ़ बदला बोलते हैं। वो कौन बोलता है? एक इतिहासकार है, एक इतिहासकार ने बोला, हीरा लाल नाम का था। हीरा लाल जी ने, हीरा लाल जी के अनुसार ये ऐसा मतलब माना है, छत्तीसगढ़ ही हमारा क्या बना? छत्तीसगढ़ बना, बदल के नाम चेंज हुआ, परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो ये था आपका महाजनपद का। ये ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो हम लोग के क्षेत्र में आता नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेंगे? बाकी जो 16 महाजनपद आप पढ़ोगे, जब इंडिया लेवल का आप बताओ उसमें पढ़ोगे, तो आप सब पढ़ोगे डिटेल में, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सब ये कवर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आते हैं मौर्य काल। मौर्य काल देखिए, महाजनपद काल हुआ। ठीक है, ये बताया 600 ईसा पूर्व के बाद। इसके बाद हुआ मगध साम्राज्य, मतलब मगध साम्राज्य का उदय हुआ। आप लोग इंडिया, जो इंडिया का हिस्ट्री पढ़े होंगे जानेंगे, मगध साम्राज्य का उदय जब हुआ ना, तो उदय जब हुआ तो उसमें चार थे, दो तीन चार, चार राजवंश थे। एक तो हर्यक वंश है ना, थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में। हर्यक वंश था, एक था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश था, एक था नंद वंश। कौन था? नंद वंश। ये था मौर्य वंश। देखो ये तीनों का हम लोग के में कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इन लोग विस्तार ज़्यादा नहीं किए ना, इन लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इनका जो मगध क्षेत्र था, मगध कहाँ है आपका? पटना। पटना कहाँ है आपका? बिहार में। तो बिहार क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में ही लोग क्या थे? सिमट के वो वहीं बसते, मतलब विस्तार करते थे, युद्ध युद्ध थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर मतलब तांग झांग मतलब बढ़ता रहता। जब मौर्य साम्राज्य आया ना, तो पूरा विस्तार हो गया। मौर्य साम्राज्य में भी तीन लोग थे, जो
एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो आप टीवी सीरियल देखे हो चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का भी जान रहे होगे, अशोक अशोक थर्ड नंबर में है, यह बिंदुसार आएगा, ये बिंदुसार आएगा, यहाँ अशोक आएगा पहला दूसरा तीसरा। अब इन्हीं के बारे में, इन्होंने जब प्रशासन किया तो ये पूरे भारत को पूरे साम्राज्य इन्हीं थे, सम्राट मतलब एक विशाल रूप दिया इन लोगों ने, चंद्रगुप्त मौर्य वंश ने, काफ़ी विशाल सेना इन लोगों की थी, जो उत्तर पत्ता दक्षिण पत्ता इन इन इनके टाइम में चार भागों में बटा था उस टाइम, जो उत्तरा पथ दक्षिणा पथ अवंती था, एक पश्चिम साइड में था और पूर्वी साइड में था जो प्राची पाटलिपुत्र, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, कलिंग, एक कलिंग का था, कलिंग राज कलिंग प्रांत था, अलग था, बस उसको थोड़ा जीते नहीं थे इन लोग बाद में, लेकिन कलिंग प्रांत को जीत जीत लिया गया किसके द्वारा, अशोक जब ना अपना अधिकार क्षेत्र किया ना तो उसको जीत लिया, ऐसा था। मतलब देखो थोड़ा बता देता हूँ, ये ओवर भी थोड़ा बताता हूँ, तो ये था देखिए इसमें क्या, ये था उत्तरा पथ, उत्तरा पथ था, ये देखिए इसमें था अवंती, क्या है अवंती, इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी, क्या थी, उज्जैनी था, ये था दक्षिणा पथ, इसकी राजधानी की सुवर्णगिरी, इसकी राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी थी, इसको याद रखना, ये था आपका कलिंग प्रांत, यह था आपका कलिंग प्रांत, ये था आपका इधर का प्राची, ऐसे बटा हुआ था, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ कुछ हिस्सा इसमें भी आता है, देखो ये बोल रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, ये था अवंती का हिस्सा, इसका ना उसका राजधानी था उज्जैन, ये आपका उत्तरा पथ था, इसकी राजधानी था तक्षशिला, ये इधर भी विशाल ऐसे फैला हुआ था इसका क्षेत्र, और ये वाला प्राची था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, पटना थी मान लो, है ना, एक कलिंग प्रांत था, ये खाली था ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिणा पथ था स्वर्णगिरी, तो ये जो उत्तर का थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें आया था, हम लोग का जो उत्तर का हिस्सा था छत्तीसगढ़ का, ये नीचे का हिस्सा देखो कलिंग प्रांत में, तो ये उत्तर के हिस्से में ही मौर्य वंश का मतलब मौर्य का क्या था, समकालीन था, इसमें शामिल था, समझ गए जी, ठीक है, मौर्य वंश का क्या था, प्रभुत्व था हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इसमें जो जो क्षेत्र मिले हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, समझ में आया, मुझे बता दीजिए क्या क्या मतलब इस टाइम में जो परिवर्तन है, जो भी इनका जो जहाँ जहाँ मतलब इनका जो साक्ष्य मिले, सिक्के उक्के मिले हैं उनका मैं बता दूंगा थोड़ा। तो चलिए मौर्य कालीन साक्ष्य बताता हूँ, इसमें मौर्य कालीन के साक्ष्य के बारे में बताता हूँ, इसमें चलिए बताता हूँ इसमें, तो मौर्य कालीन साक्ष्य के बारे में क्या, तो पहला तो सिक्के को देखिए, सिक्के कहाँ कहाँ मिले थे, है ना, हमारा अब छत्तीसगढ़ के उत्तर का ही देखना है हम लोग को, ये अभी छत्तीसगढ़ है, मैप बना दे रहा हूँ थोड़ा आप लोग को थोड़ा आइडिया लग जाए, तो ये उत्तर बस का हमारा क्या है आपका, ये आपका मौर्य से संबंधित है ये वाला हिस्सा, ये नीचे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ सिक्का मिला था, मतलब कुछ हिस्सा यहाँ तक भी था, ये बिलासपुर बिलासपुर तक भी फैला हुआ था, लेकिन ये तब फैला जब अशोक जब साम्राज्य विस्तार की कलिंग प्रांत को जब जीता ना, यहाँ तक मतलब पूरा कलिंग प्रांत था ये नीचे का, तो इसको भी पूरा बाद में जीता, ये सब पूरा आपका और मौर्य काल में सम्मिलित हो गया, इसको याद रखना, ये मौर्य काल का वो था 323 से 180
6-7 तक था मान लो इनका कार्यकाल था, या 84 तक ही कुछ था इनका, देख लेना इसको कार्यकाल, 323 से 184 या कुछ तक था इनका समकालीन, जो मतलब कार्य को बता रहा हूँ, ईसा पूर्व था इनका जो कार्यकाल बता रहा हूँ, ठीक है इसको याद रखना। तो पहला जो सिक्का मिला था इनको, तो इनको जो सिक्के उन लोग बनाए थे उस टाइम के ना, तांबे और चांदी के सिक्के अधिकतर मिलते थे, गोल्ड वोल्ड का ज़्यादा उतना नहीं मिला है सोने का, तो चांदी और तांबे के, चांदी और तांबे के ज़्यादा मिलते हैं। तो सिक्के में एक कहाँ मिलता है हम लोग को, एक शक्ति से मिलता है, शक्ति जगह का नाम यहाँ ठठारी नामक जगह है, शक्ति के ठठारी से मिलता है, क्या मिलता है, सिक्का मिलता है, एक जांजगीर से मिलता है, जांजगीर के अकलतरा से, इसको याद रखना, एक मिलता है सारंगढ़ से, अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ अलग अलग जिला बन चुका है, उसका जमीन जगह का नाम बारवा देव, बारवा दे गांव इसमें उल्लेखित है। ठीक है इसको याद रखना, अकलतरा में इसमें बार हो देगा, इसको याद रखना। एक तो रायपुर, रायपुर से मिलता है, रायपुर में आरंग से मिलता है, आरंग हो गया है, तारापुर है, और एक ये उड़ेला नाम था, यहाँ से क्या मिलते हैं सिक्के प्राप्त। देखो कहाँ कहाँ, शक्ति जांजगीर एक ही जगह है, सारंगढ़ ये बगल मिच में है, रायपुर मिल रहा है आरंग, तारापुर उड़ेला यहाँ से मिलते हैं। तो इसकी जो ये आरंग की जो खोज की ना, ये वाला ये जो आरंग में इसने खोज की थी, रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी, ये 1969 से 70 तक। ठीक है इसको याद रखना, रमेंद्रनाथ मिश्र द्वारा, अब नोट करके याद रखना यहाँ बस। चांदी के सिक्के देखिए, पहला क्या बोला इसमें के? जो सिक्के बताया इसमें का, जो शक्ति जांजगीर रायगढ़ सारंगढ़ रायपुर से मिले, अब इसमें से देखो चांदी के सिक्के कहाँ से मिले, एक तो अकलतरा से मिला, अकलतरा आपका जांजगीर चांपा में है, एक तारापुर से मिला, तारापुर कहाँ आपका रायपुर में है ना, एक सारंगढ़ से मिला, तो अकलतरा रायपुर तारापुर सारंगढ़ से जो मिला है, जो ये सारंगढ़ का मैं जो बार देव गांव से मिला, ये सब चांदी के सिक्के मिले उसके, और अलग से आहत मुद्राएं मिली हैं, कुछ अलग अलग तरीके के मतलब मुद्राएं जो मिली हैं वो आरंग से मिली, आरंग वो जो उड़ेला है ना, आरंग हो गया उड़ेला, और तारापुर से भी मिला है, तारापुर से भी इसमें क्या मिला है, सम्मिलित थे इसमें। अब इसमें यहाँ देखना, जो छत्तीसगढ़ में पाया गया जो पुरातात्विक सिक्के थे, कई सारे जो पुरातात्विक मतलब सिक्के पाए गए हैं वो दूसरी सदी के संबंधित थे, ईसा पूर्व मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मतलब माने जाते हैं उस टाइम का था। आहत मुद्रा में एक थी पंचमा, इसको याद रखना, पंचमार्क मुद्रा भी इसको बोला जाता था, पंचमार्क मुद्रा इसको याद रखना, ये अलग टाइप का मुद्रा होता था, ठीक है इसको याद रखना। अब एक याद रखना शिला लेख, याद रखना दूसरे नंबर में आप रखना शिला लेख, शिला लेख को याद रखना,
अब शिला लेख कहाँ मिला? एक रामगढ़ की पहाड़ी में मिला है। शिला लेख क्या? शिले पर मतलब पत्थर उत्थर पर लिखा हुआ लेख, कुछ लिखा मिला है तो उसको शिला लेख बोला। तो ये रामगढ़ की पहाड़ी में मिला है। रामगढ़ की पहाड़ी में मिला है, ये कहाँ मिला? जोगी मारा की गुफा। ठीक है, इसको याद रखना, जोगी माया की गुफा। शिला लेख से रामगढ़ की पहाड़ी और जोगी मारा की गुफा, इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है, इसको याद रखना, मतलब उसके रामगढ़ की पहाड़ी में भी जोगी मारा की गुफा से मतलब इसके शिला लेख प्राप्त हुए, इसको बस याद रखना। और इसकी लिपि क्या थी? इसकी जो यह लेख जो मिला है, इसकी लिपि थी, जो भाषा था इसका ब्राह्मी, सॉरी लिपि इसकी ब्राह्मी थी, और जो भाषा था इसका पाली भाषा में था। पाली भाषा में इसका लिखा गया है लेख, और उसका लिखने का तरीका था ब्राह्मी लिपि में। समझ गए? ठीक है, इसको याद रखना। सिर्फ एक ठो मिला है जोगी मारे गुफा में, और बाकी चीज़ में नहीं मिला है। एक शिला लेख तो मिल गया, लेख पत्थरों में जो लेख लिखा रहता वो मिल गया, एक शैलचित्र भी मिला है। क्या मिला? शैलचित्र, चौथा तीसरे नंबर में आ देंगे शैलचित्र। तो रामगढ़ की पहाड़ी पर ही एक जोगी मारा की वही कोई इसी गुफा में ही क्या मिला है? दो नर्तक थे उस टाइम, देवदत्त नाम का एक सुतनका, तो उनके प्रेम गाथा का वर्णन उसमें चित्रित रूप में मिलता है, शैल चित्र के रूप में, चित्र के रूप में मिलता है। कहाँ आपका? रामगढ़, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में। ये कहाँ है आपका? सरगुजा जिले में है, सरगुजा जिले में, इसको बताना मैं भूल गया था, सरगुजा जिले में है वर्तमान में अभी। रामगढ़ की पहाड़ी में ये इसी जोगी मारा में क्या मिला है? जोगी मारी गुफा में मिला क्या है आपका? मिला है आपका यही, दो नर्तक थे, देवदत्त व सुतनुका। देवदत्त और सुतनुका का मतलब प्रेम गाथा का वर्णन मिला है। प्रेम गाथा का क्या वर्णन इसमें मिला है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। और जो मौर्यकालीन प्रस्तर है, मौर्यकालीन जो प्रस्तर है, इसको प्रस्तर जो है जो मौर्यकालीन से संबंधित है, जो नाट्यशाला है, जो नाट्यशाला जोगी मारा की गुफा में, ये क्या है? प्रेम गाथा का वर्णन इसमें मिलता है। कहाँ? जोगी मारा की गुफा ही में है, रामगढ़ की पहाड़ी में। और नाट्यशाला भी यही है, कहाँ? प्राचीनतम नाट्यशाला कह लो, उसने खोज को जो ये प्राचीनतम नाट्यशाला भी है, प्राचीनतम नाट्यशाला, नाचने वाला शाला, इसको याद रखना। एक इसने इसका जो अध्ययन किया था प्राचीनतम नाट्यशाला का, संत लाल, एक संत लाल था नाम का व्यक्ति था, इसी ने अध्ययन किया था, डॉक्टर है, डॉक्टर संत लाल द्वारा प्राचीनतम जो नाट्यशाला था उसका क्या किया था? उसने अध्ययन किया था। इसके अलावा जो जोगी मारा हो गया, एक सीता बेंगरा था, सीता बेंगरा था, एक गुफा था ये, तो इस गुफा में भी क्या मिले? अभिलेख मिले, यहाँ भी क्या मिले? अभिलेख प्राप्त हुए, इसी ये सब सरगुजा में। कहाँ है आपका? सरगुजा के अंतर्गत ही बात चल रहा हूँ, सरगुजा में ही अंतर्गत में क्या बता रहा हूँ इसमें का मैं। ठीक है, मौर्यकालीन क्या मिले? अभिलेख प्राप्त हुए। इनकी जो खोज की थी 1848 में ईस्वी में, ईस्वी में 1848 में एक उसले नाम के, तो कर्नल उसले, कर्नल
भोसले नाम का व्यक्ति था, इसी ने क्या किया था, इसको ढूंढा था, इसको याद रखना। समझ गए जी। प्राचीन थिएटर के नाम से देखिए, प्राचीन थिएटर के अवशेष कहाँ मिले, रामगढ़ की पहाड़ी से। प्राचीन थिएटर के अवशेष कहाँ मिले, रामगढ़ की पहाड़ी से इसको मिला है, इसको याद रखना। रामगढ़ की पहाड़ी से क्या मिले, प्राचीन जो थिएटर का मिला है कहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी से। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना हुई थी, इसको याद रखना। मेघदूत की रचना कहाँ हुई थी, मेघदूत ग्रंथ है, कालिदास द्वारा लिखा गया था, महाकवि कालिदास द्वारा इसको लिखा गया था, मेघदूतम की अपनी रचना की थी। ठीक है, इसको याद रखना। आषाढ़ माह में इसमें मेला भी लगता है, आषाढ़ माह में मेला ही लगता है इसी रामगढ़ में पहाड़ी में, इसको याद रखना। मूर्ति भी इनको मिली है, मूर्ति अशोककालीन जो मूर्ति को अशोक का समकालीन मिली है, ये कि कोट का कोटा डोर से मिली है, कोटा डोर से मिला है, एक मनेंद्रगढ़ से, जो मनेंद्रगढ़ है चिरमिरी भरतपुर ये अलग जिला बन गया, वहाँ से मिले हैं कोटा डोर मनेंद्रगढ़। एक इसका मिला है अशोक काल का, अशोक कालीन जब राजा बना था ना उस टाइम इनका मिला है। अन्य इन लोग का साक्ष्य मिला है, जैसे कि साक्ष्य के रूप में देख सकते हैं, उनका लाठ मिला है कपाटपुरम से। कपाटपुरम से क्या मिला, उनका लाठ या लट्ठा उट्ठा जो भी, ये सरगुजा जिला में है, सरगुजा में है, इसको याद रखना। अशोक का लाठ मिला है, इसको याद रखना। और जो बौद्ध भिक्षुओं का भी विहार मिला है, जो बौद्ध भिक्षुओं का क्या विहार ही मिला है, कहाँ से मिला है आपका, ये बड़ौदा बाजार से, कहाँ से मिला है, बड़ौदा बाजार क्षेत्र से मिला है, इसको याद रखना। तुरतुरिया नामक स्थान से, तुरतुरिया नामक स्थान से। अब बुद्ध की विशाल जो मूर्ति है, बुद्ध देव की जो एक विशाल मूर्ति भी मिली है, बुद्ध की जो विशाल मूर्ति मिली यहीं से मिली है, तुरतुरिया नामक स्थान से, बड़ौदा बाजार में है। बौद्ध भिक्षुओं का विहार भी मिला है, सब मौर्य कालीन स्थल है। तो चलिए।